भारत और लाओस के बीच रक्षा और प्रसारण सहित चार महत्वपूर्ण समझौतों का हुआ आदान प्रदान। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा महाराष्ट्र सरकार ने किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, विद्यार्थियों के लिए होगा फायदेमंद। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव के स्व सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं अगरबत्ती, वो भी देवी पंडालों से मिले फूलों पर। और महादेव सच ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अमृता शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफानदोन की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच चार महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इनमें रक्षा और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग शामिल है, साथ ही सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग पर भी समझौता हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफानदोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरण ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर भी चर्चा की। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य सरकार के बीच ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शुरू की गई विभिन्न पहलों के लिए राज्य की सराहना की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसमें दिनों दिन जीवन में काम में आने वाली एजुकेशन मिलने की एक व्यवस्था बनी है, और टेक्निकल आज की जरूरतों के हिसाब से नौजवानों को जो टेक्निकल एजुकेशन देनी है, इन दोनों का एक अच्छा समागम हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के बड़े प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। अब ये इस प्रयास को और अन्य स्टेट्स में भी ले जाया जाएगा, और बड़ा फोकस किया जाएगा कि जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं और जो हमारे आईटीआईज हैं, उसमें नाइलेट जो एक यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में बनी है, उस यूनिवर्सिटी का और जो देश की आईटी इंडस्ट्री का जितना भी उपयोग, जितना भी लाभ हमारे नौजवानों को मिल सके, उस क्षेत्र में, उस दिशा में प्रयास करें। श्री वैष्णव ने कहा कि बदलते औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को किन कौशल की जरूरत है और उन्हें किस तरह की तकनीकी शिक्षा लेनी चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 57.6% की वृद्धि हुई है। दूसरे ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे के अनुसार 2016-17 में 8,059 की औसत मासिक आय 2021-22 में 12,698 तक पहुंच गई। नाबार्ड ने बताया कि इस अवधि के दौरान औसत मासिक आय में 9.5% की कर देखी गई है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि ग्रामीण परिवारों की वित्तीय बचत में भी सुधार हुआ है। 2021-22 में औसत वार्षिक बचत 13,209 रुपए रही, जबकि 2016-17 में यह केवल 9,104 रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार 66% परिवारों ने 2021-22 में बचत की, जो 2016-17 के से काफी ज्यादा है। हालांकि बकाया कर्ज वाले परिवारों का अनुपात बढ़कर 52% हो गया है। बीमा कवरेज में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 में कम से कम एक सदस्य का बीमा कराने वाले परिवारों का अनुपात 25% था, और अब यह बढ़कर 80.3% हो गया है, जो कोविड महामारी के बाद वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार को दर्शाता है। सर्वे में 1,00,000 ग्रामीण परिवार को शामिल किया गया था, जिसमें आय में सुधार और खर्चों में वृद्धि का भी उल्लेख है।
नागपुर की दीक्षा भूमि पर आज पंचशील ध्वज फहराया गया। भदंत आर्य, नागार्जुन सुरई ससाई ने दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सदस्यों और समता सैनिक दल की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। कल शाम को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का मुख्य समारोह मनाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी दीक्षा भूमि पर पहुंचे हैं। प्रशासन द्वारा बौद्ध अनुयायियों के लिए कई आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं तथा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को लेकर प्रशासन द्वारा सफल तैयारी भी की गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। कैडेट, सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में दुर्गा पूजा उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र अनुष्ठान में आज महाअष्टमी और महानवमी पर मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कन्या पूजन भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में इसे मनाया जाता है और मां दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार पूरी तरह से देवी दुर्गा के प्रति समर्पित होने और सभी धर्मों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देने का अवसर है। इधर भिलाई के सेक्टर 6 स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में आज हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंदिर के पुजारी देवदत्त शास्त्री ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हवन पूजन का कार्य संपन्न कराया। इस दौरान देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित ग्राम फाफामार की मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलाएं नवरात्रि पर्व के दौरान देवी पंडालों में अर्पित फूलों से अगरबत्ती बना रही हैं। इससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है और इसके साथ ही वे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। 9 दिनों तक चले नवरात्रि पर्व के दौरान मां दुर्गा को अर्पित फूलों को इन महिलाओं ने इकट्ठा किया और उससे अगरबत्ती बनाने का काम ये महिलाएं कर रही हैं। इस कार्य में जुटी महिलाओं ने बताया कि वे दुर्गा पंडालों में जाती हैं और वहां से फूलों को एकत्रित करने के बाद उनसे अगरबत्ती बनाने का काम किया जा रहा है। गणेश और दुर्गा के फूल ला एकत्रित करे हम सब बहनी मन और यहाँ महिला प्रोड्यूसर कंपनी में आस्था के अगरबत्ती बनते यहाँ हमन फूल ला देबर आए हवन। आज हमारी यहाँ बहनी मन हाँ जो अपन गांव में कलेक्शन करे रही से आस्था के फूल जे दुर्गा और देवी गणेश सरस्वती जो भी चढ़े रही से लाइस यहाँ लाए के बाद हमन हाँ एक अच्छा पहल करे हन रोजगार के रूप में, जहाँ आस्था के फूल अगरबत्ती बनाए जात हन और हमार बहनी मन भी आत्मनिर्भर बन गए हैं और हमन भी आज हमन आत्मनिर्भर बने हन। माँ बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अगरबत्ती बनाने के इस अभियान का नाम हरियाली बहिनी रखा है। इस अभियान के प्रमुख शिव कुमार देवांगन ने बताया कि इसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित रखना है। माध्यम से अविभाजित रंग जिले में महिलाएं जो है वो जो गणेश के पंडाल से जो फूल एकत्रित किए थे उसको अभी अगरबत्ती में उपयोग कर रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। उसके साथ साथ अभी दुर्गा काली सरस्वती में भी पंडालों से फूल एकत्रित किया जा रहा है ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके और लोगों में जो आयोजक समिति उससे भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप उसको नदी नाले में ना डालें, उसे हमें सुखा कर हमको दिया जाए और इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो ही रही है और एक अच्छा लोगों में माहौल बन रहा है कि जो फूल हमें बाहर रहे थे उससे जो दुष्परिणाम हो रहा था उससे भी लोग जागरूक हुए हैं।
फूलों का उपयोग अगरबत्ती निर्माण में किया जा रहा है ताकि नदियों तालाबों को प्रदूषण से बचाया जा सके। फूलों से बनी अगरबत्ती के विक्रय से महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है और उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। साइबर और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर रायगढ़ नगर निगम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि साइबर जागरूकता और जल संरक्षण हम सभी के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। साइबर अपराधों से बचाव के लिए इसके बारे में जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्राइम एवं जन संरक्षण के लिए किए गए इस आयोजन का में मैंने भागीदारी दी और बहुत ही हर्ष का विषय है। रायगढ़ में अपनों के बीच अपने को पाकर बहुत आत्मीय प्रसन्नता होती है और मेरा हमेशा से यह संदेश रहा है कि जीवन में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए और अगर पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करें आप और कोई भी प्रयास किसी का भी हो, चाहे प्रशासन का हो, न्याय प्रशासन का हो, तो उसमें अपना सहयोग दे। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने जिला प्रशासन के जल संरक्षण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि रायगढ़ में भूजल और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबके समन्वित प्रयास से आज साइबर क्राइम और जल संरक्षण दो विषय पर बहुत बड़ा वर्कशॉप रायगढ़ जिले में आयोजित किया गया। ये निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है और आज बदलते तकनीकी के साथ साइबर क्राइम से मुक्ति दिलाना लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर लोगों की जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ये कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। आने वाले समय में इस तरह के और भी प्रयास लगातार किए जाएंगे। इस कार्यशाला में साइबर जागरूकता और जल संरक्षण पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से यह आयोजित किया गया था। इसी तरह कोंडा गांव के विश्रामपुरी महाविद्यालय और आईटीआई में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सभी को प्रेरित करने का प्रयास भी किया गया। महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। चंद्राकर को 17 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप के जरिए देश भर में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आला अफसरों तक को कंट्रोल कर रहा था। महादेव सट्टा ऐप का काला सच ईडी की जांच के बाद सामने आया, जिसके बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों से मामले में पूछताछ की थी। कई कारोबारियों अफसरों पर कार्रवाई भी की गई थी। इससे पहले 21 अक्टूबर 2023 को ईडी ने इस प्रकरण में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 आरोपियों को नामजद किया गया था। जांच एजेंसी ने अपराध की 41 करोड़ रुपए की आय को अस्थायी तौर पर कुर्क भी किया था। प्राथमिक प्रमोटरों में एक खास व्यक्ति रवि उप्पल को प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ईडी ने देश भर के कई शहरों में हवाला ऑपरेटरों से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस कार्रवाई में करीब 417 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क हुई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और लाओस के बीच रक्षा और प्रसारण सहित 4 महत्वपूर्ण समझौतों का हुआ आदान प्रदान। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा महाराष्ट्र सरकार ने किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, विद्यार्थियों के लिए होगा फायदेमंद।
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव के स्व सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं देवी पंडालों में अर्पित फूलों से अगरबत्ती। और महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।